नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रतिभा पाल द्वारा शहर की विभिन्न पेयजल टंकियों से एलएनटी कंपनी के माध्यम से नर्मदा जल प्रदाय वितरण पाइपलाइन के किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्रीमती भव्या मित्तल, कार्यपालन यंत्री श्री संजीव श्रीवास्तव, एलएनटी कंपनी के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा सर्वप्रथम तपेश्वरी बाग पेयजल टंकी से MR9 रोड सुंदर बाग कॉलोनी में जल प्रदाय वितरण पाइपलाइन के किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त सुश्री पाल द्वारा तपेश्वरी बाग टंकी से किन किन कॉलोनियों को जल वितरण के लिए पाइपलाइन डालना है के संबंध में अधिकारियों की जानकारी लेते हुए पेयजल वितरण के रूट चार्ज का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात आयुक्त सुश्री पाल व अपर आयुक्त श्रीमती मित्तल द्वारा खजराना दरगाह मैदान के पास हारूर कॉलोनी की पेयजल टंकी से जल प्रदाय वितरण पाइपलाइन के कार्य का अवलोकन किया गया। इस दौरान आयुक्त द्वारा संबंधितों से जल प्रदाय की पाइपलाइन का कार्य कितना शेष रहा है और कब तक कार्य पूरा होगा इस संबंध में जानकारी लेते हुए कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात आयुक्त सुश्री पाल द्वारा पालीवाल नगर पानी की टंकी से जल प्रदाय वितरण लाइन के संबंध में गुलमोहर कॉलोनी में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आयुक्त सुश्री पाल द्वारा पेयजल टंकियों से जल वितरण पाइपलाइन के लिए किए जा रहे कार्यों का रूट चार्ज का अवलोकन करते हुए किन किन कॉलोनियों व क्षेत्रों में जल वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना शेष के संबंध में जानकारी ली गई और कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के साथ ही रेस्टोरेशन का कार्य भी करने के संबंधितों को निर्देश दिए गए। ओवरहेड टैंक निर्माण का था और दूसरा लाइन डालने का था। जो ओवरहेड टैंक निर्माण का कार्य है वो खत्म हो चुका है, सभी टंकियां बनके तैयार हो चुकी हैं। अब जो मेजर फोकस है वो एलएनटी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे है और चूंकि ये काम पहले से थोड़ा डिले भी चल रहा है, इसलिए अभी हम लोगों ने अपर आयुक्त अपनी टीम के साथ में विजिट किया है। इसमें जो प्लानिंग की है वो सभी टंकी वाइज सभी के नेटवर्क कंप्लीट हो जाएं, मार्च तक की प्लानिंग है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है कि फरवरी लास्ट में और मार्च में हार्डली हमारी एक या दो टंकियों के कुछ लाइन जा रहे हैं, बाकी सभी जनवरी लास्ट तक मेजर जो नेटवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को हम लोग कनेक्शन दे पाएंगे। जितनी भी जगह अभी लाइन चल रही है वहाँ सभी जो लाइन्स कंप्लीट होती जा रही हैं वहाँ लोगों को कनेक्शन मिलता जाए, फाइनल जो कमिश्नरिंग है वो होती जाए ताकि लोगों को पानी इजीली मिल सके। आउटर की कॉलोनी को लेकर पेरिफेरल जो कॉलोनीज एलएनटी के स्कोप में है वो सभी जगह एलएनटी लाइन डालेगा, सभी जगह वो कंप्लीट करेंगे, उनके कनेक्शन सभी इंटरकनेक्शन सभी काम एलएनटी के स्कोप में जो वहाँ कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो छूटी हुई कॉलोनीज है उनको हम लोग अमृत फेज टू में भी ले रहे हैं क्योंकि अमृत फेज टू भी लॉन्च हो चुका है। तो जो बहुत ही पेरिफेरल एरिया है जो नया परिसीमन में ऐड हुआ था, नए नए गाँव हैं वहाँ के एरियाज को हम लोग अमृत फेज टू में भी शामिल कर रहे हैं। कोई ऐसी डेडलाइन थी पूरे संपूर्ण और नगर निगम के अंतर्गत आने में सभी कॉलोनी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर अब तक जो अभी का है जितना एलएनटी के स्कोप में काम है अमृत फेज वन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग इस जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2023-22 का वहाँ हम लोग मार्च तक ये काम कम्प्लीट करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।